नमस्कार, आज हम बनाएंगे मोहन थाल। ये एक तरह की मिठाई है और इसे बेसन से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए मैंने एक कटोरी बेसन लिया है, एक कटोरी चीनी ली है, आधा कटोरी घी है, आधा ग्लास दूध है। और गार्निश के लिए हम कोई भी मेवा ले सकते हैं। मेरे पास जो घर में अवेलेबल है वो हम बताते हैं। ये मैंने थोड़ी सी चिरौंजी ली है, थोड़ी सी खरबूजे की मींग है, 2 से 3-4 इलायची ले ली है, थोड़ा सा नारियल पाउडर है। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये बेसन लेंगे और इसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे और इसको मैश करेंगे अच्छे से। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, हाथ से ही अच्छे से होगा। ये इसको एकदम मिक्स करना है। ये और चम्मच से ही हम इसमें ज़्यादा दूध नहीं डालेंगे, चम्मच से ही हम थोड़ा सा दूध भी डालेंगे इसमें, थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इसको मिक्स करना है। आटा नहीं गूंदना है इसका। ये जैसे हम मठरियों के लिए, मोयन के लिए मैदा और वो मिक्स करते हैं, इसी तरह से ये भी हमें एकदम से इसमें घी और दूध को डाल करके मिक्स करना है। और ये एकदम पाउडर फॉर्म में होना चाहिए। ये देखिए, ये बिखर जाना चाहिए इस तरह से पाउडर सा। और ये हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा भी, ये गांठें नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल भी इसमें सारी। हाथ से आप चाहें तो दोनों हाथों की सहायता से इसको पाउडर से कर लेना चाहिए ऐसे। इसे बनाने के लिए थोड़ा सा बेसन जो है हमारा मोटा ही रहना चाहिए। मोटा बेसन है तो बहुत अच्छी मिठाई बनती है। देखिए, और अब हम इसको करके रख देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। और इसमें हम चाशनी बनने के लिए रख देते हैं, गैस ऑन करेंगे। और ये जो चीनी है, 1 कटोरी चीनी थी, तो हम इसमें आधा से थोड़ा सा और पानी ज़्यादा लेंगे, और थोड़ा सा ज़्यादा इसको चीनी गलने तक सिम गैस पर पकाइए। तेज गैस करेंगे और जैसे चीनी घुल जाएगी तो गैस को एकदम, गैस का जो फ्लेम है एकदम कम कर देंगे। चीनी हमारी घुलने वाली है तो इसको अब हम गैस को कम कर देंगे और कम गैस पर ही 5 मिनट तक पकाएंगे। इसकी चाशनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं बननी है, बस चीनी घुलने तक 2-3 मिनट और पकानी है बाद में। फिर ये दूसरी गैस पर हम एक कढ़ाई रखेंगे और इसको बेसन को भूनेंगे। ये जो घी लिया है हमने, गर्म हो गया। फिर जो ये पाउडर है हमने, ये देखिए एकदम पाउडर ही बन गया है। इस बेसन को हम घी में डाल करके भूनेंगे अच्छे से। बीच में हमें चाशनी को भी चलाते रहना है और बेसन को भी भूनना है। तो बेसन को ब्राउन होने तक भूनेंगे
जल्दी भुन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता ये बेसन को भूनने में। लगातार चलाना है क्योंकि ये छोड़ देंगे तो बेसन जो है हमारा जो है ये तले में लग जाएगा और जल जाएगा, तो इसको लगातार चलाना है, चलाते भूनना है, चलाते हैं। इसको भूरा होने तक भूनेंगे, जब तक ये हमारा बेसन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हम इसे भूनेंगे। हमारा बेसन भुन रहा है, इसकी खुशबू भी आ रही है, बहुत जल्दी भुन जाता है घी में डालने से, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इधर ही हमारी चाशनी भी बनकर तैयार हो गई है, देखिए। इसको चाशनी को ज़्यादा नहीं पकाना, चीनी घुलने के बाद 2 से 3 मिनट तक और पकाना है। इधर ये बेसन भी, तो चाशनी वाली गैस हम ऑफ करते हैं, बंद कर देते हैं, और ये भी हमारा भुन गया है बेसन। इसको अब हम ये जो हमने ये इलायची है इसको पाउडर करके डाल देंगे इसी में, और ये जो खरबूजे की गिरी है इसको गैस को बंद कर देते हैं, भुन गया हमारा बेसन, और ये इसके साथ डाल देते हैं, ये भी थोड़ा सा भुन जाएंगे। इलायची हमने कूट ली है, इनको इसी में मिक्स कर देंगे, और ये जो चाशनी है ये इसमें मिक्स करेंगे और चलाएंगे इसको। ये देखिए, एक भी गुठली नहीं रहनी चाहिए, इसको लगातार हिलाना है, और गैस हमने बंद कर दी है जैसा कि मैंने बताया, और इसको हल्के हाथ से एकदम चलाते रहना है। ये देखिए, धीरे धीरे ये गाढ़ा हो जाएगा, इसको हिलाते रहना है। अब हमारी जो ये गुठलियाँ हैं इसमें बेसन में एकदम ख़त्म हो गई हैं, अब हम गैस ऑन करेंगे और इसको पकाएंगे। इसको लगातार चलाना है, गैस जला दी है हमने और इसको लगातार पकाना है। बहुत जल्दी मिठाई बन जाती है ये, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लगातार चलाना, छोड़ना नहीं है बीच में, नहीं तो जो ये हमारा मोहन थाल है मिठाई बना रहे हैं जल जाएगी वो। और अब ये देखिए चिपक नहीं रहा है कढ़ाई से, इस तरह से लगातार चलाना है। और गैस को करेंगे बंद, ये
प्लेट हमने ग्रीस करके रख रखी है, इसको थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लिया है, और ये हम इसमें डायरेक्ट इसको जमाने के लिए छोड़ देंगे। चलाएंगे इसे। ठंडा हो जाएगा और हम इसको ऊपर से नारियल पाउडर से गार्निश करेंगे। आपके पास काजू बादाम अगर घर में अवेलेबल हैं तो हम वो भी काट के डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो नारियल पाउडर भी और इससे भी गार्निश कर सकते हैं। तो इसे ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं, उसके बाद अपने मन पसंद से इसके पीसेस काट सकते हैं। इसको ठंडा होने के में लगभग आधा से एक पौना घंटा लग जाएगा, उसके बाद हम पीसेस कट करेंगे इसके। ये हमारी जो मोहन थाल था ठंडा हो गया है, अब हमने इसके पीसेस कट कर लिए हैं। तो देखा आपने मिठाई हमारी कितनी जल्दी बन गई है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो अब आप बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मुझे बताइए।